morning, student. Today I will continue our chapter number 11, patterns and shapes. Chapter 11 and exercise number 2 of this chapter, match the shapes. Easy question. So first shape is given. This is circle. You all the students draw this circle round. जो भी शेप राउंड शेप वाली जो नंबर हो वो चीज उससे करना, ठीक है? अपने हाथ से मत बनाना. दिस इज ट्राइंगल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइंगल. नेक्स्ट मैच करना है. फर्स्ट नंबर ए, सो इस तरीके से शेप में जो भी है ऐसे फाइव एंड इस तरीके से जो भी एक्सेट्रा ये है नोट, ठीक है? ये क्या है? 5 rupees नोट है. क्वेश्चन बी मतलब इसी का ऑप्शन नंबर बी. इस तरीके से टायर शेप बनी हुई है. टायर शेप क्वेश्चन सी ऑप्शन नंबर सी. इस तरीके से ये है फ्लैग डी एग क्वेश्चन ई मैच करना है. सो सर्कल इसको आप मत मैच कर देना. पूरा जो है नोट वो है रेक्टेंगल शेप. सो इसको आप इससे मैच करोगे तो मैच करने की जगह आप बोलोगे यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. सो ऑप्शन नंबर सॉरी रेक्टेंगल फोर रेक्टेंगल शेप का होता है नोट, ठीक है? तो ये इससे मैच करेगा.
ये सी, ये ट्राइंगल ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो ये होगा सी सेकेंड नंबर से मैच। ये है स्क्वायर शेप से क्वेश्चन लिखा, तो ये थर्ड नंबर इससे मैच होगा। राउंड शेप सर्कल, टायर जो है वो सर्कल से मैच करे होगा। बी जो है ओवल शेप, वो फाइव फिफ्थ नंबर ओवल से, एग जो होता है वो ओवल शेप का होता है, ये भी ओवल शेप का ही होगा, तो इसको भी किसी से मैच। ठीक है, सो मैच ही करना है और कुछ नहीं। और अदर टू शेप्स आर देयर इन योर सिलेबस, सॉलिड शेप्स एंड प्लेन शेप्स। दीज आर प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स आर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। दीज आर सॉलिड शेप्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज शेप इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट ओनली डू दिस एक्सरसाइज इन योर